आइए सुनते हैं अशोक मित्रन द्वारा रचित एक रचना सुंदर कथा श्रुति की आवाज में। हमने ठान लिया था कि जैसे भी हो एक गाय खरीद कर ही चैन लेंगे। भैंसों को पल्ले बांधकर रोने से तो बेहतर है कि पिछवाड़े एक गाय ही बांध ली जाए, घर में लक्ष्मी भी आ जाएगी। भैंसों को हमने आदर सत्कार सहित बुलावा नहीं दिया था। एक बार हुआ यह कि किसी कारण से एक भैंस हमारे घर आ टपकी। हमने तो सोचा था कि वह कुछ दिनों की मेहमान होगी, परंतु वह स्थायी रूप से बस गई। जब उसमें दूध उत्पादकता की क्षमता सर्द हो गई, तब हमने दूध प्राप्ति हेतु एक और भैंस खरीद ली। जब दोनों ही एक साथ सर्द पड़ गईं, तो तीसरी आ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ साधारणतया कामकाज के लिए नौकर चाकरों का मिलना अत्यंत कठिन था। हमारे घर के लोग ही बारी बारी से रोज गोबर इकट्ठा करते थे। 5-6 दिनों में एक बार गोबर के उपले बनाते, गोबर को कोयले के चूरे के साथ मिलाकर गोले बनाकर सुखाते। इसकी उपलब्धि यह हुई कि हम अच्छी खासी गर्मी में भी गर्म पानी से ही नहाते। पिछवाड़े के एक कोने में गोबर का एक पहाड़ सा सदा रहता, दूसरे कोने में उपलों और गोलों का ढेर रहता। इन दोनों पहाड़ों के बीचों बीच इनकी कारणकर्ता भैंसे जुगाली करती हुई विराजमान रहती। शायद इन भैंसों का आपस में कोई गूढ़ समझौता हुआ होगा। किसी भी वक्त दो को दोहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसे भी महीने थे जब तीनों में से एक ने भी एक बूंद दूध नहीं दिया था। अच्छे वक्त का अंत तो आता ही है, साथ ही कभी कभी बुरे वक्त का भी। एक भैंस मर गई, दूसरी खो गई, तीसरी का बच्चा होने वाला था। 4-5 महीनों बाद मेरी बड़ी बहन नन्हे से बच्चे के साथ कुछ महीने हमारे साथ रहने वाली थी। ऐसे समय में दूध वाले की कृपा पर आश्रित होने की बजाय एक गाय ही क्यों ना खरीद लें। वैसे भी पिछवाड़े में दो गाय को बांधने की जगह तो है ही। यह खबर गांव भर में फैल गई कि हम गाय खरीदने वाले हैं। इस विषय में उन्हीं लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई जिनका गाय से कोई लेना देना नहीं था। उनकी नोक झोंक से इतना खींच गए कि सोचा गाय ना खरीदें। दूसरी ओर यह भी निश्चय हुआ कि इनके लिए ही सही एक गाय घर में अवश्य लाएंगे। हम भी लगभग 15 गायों को देख चुके थे। पहली बार गर्भिणी हुई गाय से लेकर 8 बार जन्मदात्री की शोभा से मंडित एवं वृद्ध गाय तक। पहले मैं और पिताजी गाय को देख जाते और गाय के रंग, सींग, पूंछ की लंबाई आदि बुनियादी मुद्दों का भी माँ को भिन्न भिन्न विवरण देते। माँ को पिताजी के सामर्थ्य पर शंका थी, अतः कभी हम तीनों गाय देखने जाते। हमारे पहुँचने तक गाय को दुहा जा चुका होता। वह कितना दूध देती है और उसे कैसे दुहा जाता है यह देखने के लिए हम दोबारा जाते। एक तो लोगों ने तो इतना कहा भी कि हम गाय को अपने पास 2 दिन रखने के पश्चात ही निर्णय लें। एक ने यहाँ तक कहा, आधे पैसे अब दीजिए, आधे अगले महीने दे दीजिएगा। इन सभी को छोड़कर हम बाजार के पास वाले मारवाड़ी के घर से फौरन पूरे पैसे देकर एक गाय खरीद लाए। जाने क्या क्या कारणों के लिए गाय को 3-4 बार देख जांच लेने के बाद नकारने वाले हम इस मारवाड़ी के मामले में 5 ही मिनटों में राजी हो गए। कारण यह था, बाजार के पास बाजार से भी बड़ी सब्जी मंडी थी, जिसमें जान पहचान वाले एक सब्जी वाले ने माँ पिताजी को बताया कि पास ही की एक गाय बिक्री के लिए है और तुरंत दोनों को वहाँ ले भी गया। उसी वक्त गाय को दुहा जा रहा था, फेन सहित दूध बाल्टी भर दुहा गया। हमारी भैंसों ने कभी इतना दूध नहीं दिया था। माँ पिताजी दोनों ने हामी भरी और 1 रुपये का अग्रिम दे आए। दूसरे दिन 299 रुपये देकर गाय को घर लाया गया, साथ ही 1 माह का बछड़ा भी। गाय के आते ही माँ ने उसकी कर्पूरात रति उतारी, उसे कुमकुम का टीका लगाया और उसे लक्ष्मी के नाम से संबोधित किया। लक्ष्मी क्यों, मैंने पूछा। गाय का नाम, माँ ने कहा। सुंदर, हाँ माँ, उन्होंने तो वैसे ही बुलाया था। कैसा नाम है, सुंदर? हाँ माँ, तुमने ध्यान नहीं दिया। सुंदर सुंदर कहते ही तो वह औरत उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। देखो मैं बुलाता हूँ, सुंदर। गाय ने मुड़कर देखा, इस गाय का नाम सुंदर ही है।
सुंदर तो पुल्लिंग है, हो सकता है यह पुरुष गाय हो। छी छी, ज्यादा बुद्धिमानी मत दिखाओ। हमारे मन को क्लेश का कारण केवल यह नहीं था कि गाय का नाम सुंदर था, उसके थन पूरी तरह से काले थे। श्याम थन गायों का दूध मंदिर के अलावा और कहीं भी उपयुक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे घरों में कहा जाता है। मुझे इन बातों की खास जानकारी नहीं थी। श्याम थन वाली गाय भी तो गाय ही है, इसलिए यह तय किया गया कि महीने में एक बार दूध को मंदिर में अभिषेक के लिए दे दिया जाएगा। गाय को अपने नए नामकरण की आदत पड़ जाए, इस कारण हम अक्सर पिछवाड़े में जाकर लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर पुकारने लगे। गाय ने इसकी कोई परवाह ही नहीं की, साथ ही वह बेचैनी से इधर उधर हिलती डुलती रही। शाम हुई, गाय को हम पहली बार धोने वाले थे। जब भैंस दूध दिया करती थी तब एक आदमी दूध धोने आया करता था, उसे सूचना देने के बावजूद वह नहीं आया। आखिरकार पीतल के बड़े मुंह के लोटे को लेकर माँ गाय के पास गई। मैंने बछड़े की रस्सी खोल दी, वह माँ के थन से मुंह लगाकर चूसने लगा। गाय के थन रिसने लगे, मैंने बछड़े को फिर से बांध दिया। गाय के पास बैठकर माँ ने उसके थन को छुआ, गाय ने लात मारी। मैंने बछड़े को एक कोने में बांध दिया और गाय की पिछली टांगों को बांधने के लिए रस्सी ढूंढने लगा। भैंसों को दूहते समय उनकी पिछली टांगों को बांधने की कभी नौबत नहीं आई थी। अगर वे दूध नहीं देना चाहती तो परे हट जाती, मगर टांग उठाकर उन्होंने कभी मारा नहीं। जैसे तैसे एक रस्सी को ढूंढ निकाला और गाय की पिछली टांगों को बांध देने के लिए मैंने और माँ ने बारी बारी से उसे दुहा। वह माँ को भी अपने पास नहीं आने दे रही थी। माँ ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है, उसके मुंह और पीठ पर थपथपा दिया। सब कुछ करने के बाद भी पाव भर भी दूध नहीं मिला। अगले दिन सुबह की भी वही कहानी थी। उस शाम की स्थिति बदतर थी, गाय ने दूध दिया ही नहीं। गाय सींग मारने वाली थी। साथ ही एक बात भी उजागर हुई, गाय को हमारे घर आए लगभग 36 घंटे बीत चुके थे, वह बैठी तक नहीं, खड़ी ही रही। हमने उसके खाने के लिए भूसी और खली रखी थी। उन्हें खाने में भी उसने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब दूसरे दिन भी उसने हमें पास फटकने नहीं दिया तो मैं उस मारवाड़ी के घर गया। उस गली में सबके सब मारवाड़ी परिवार ही थे। जैन धर्मावलंबी होने के कारण सूर्यास्त से पूर्व भोजन समाप्त कर बत्ती बुझा चुके थे। बुजुर्गों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। गाय के विक्रेता के घर तक पहुंचने के लिए मुझे 4-5 घरों के आंगन में बंधी हुई गायों को खतरनाक ढंग से पार करके आना पड़ा। अपने विक्रेता के घर को पहचानने से पहले मैं एक बार अपना पैर गोबर के ढेर में घुसेड़ चुका था। एक स्त्री बाहर खड़ी थी, उससे मैंने कहा, आपकी गाय दूध नहीं देती, उसे चारा दिया? उस स्त्री के मुंह पर बंधा पर्दा उसके बोलने से फड़फड़ाने लगा। वह कुछ भी नहीं खाती, बस लात मारती रहती है। वह घर के अंदर गई और ऊंची आवाज में ताबड़तोड़ बरसने लगी। फिर उसने आस पड़ोस सबको यह कहा, सुंदर को ये लोग भूखा मार रहे हैं। इसी तरह की बातें वह किए जा रही थी। सभी ने मुझे घेर लिया और मुझ पर प्रश्नों की बौछार करने लगे, क्या आप पत्थर दिल हैं? क्या आप गाय को मार डालेंगे? गाय को भूखा मारोगे तो कोटि जन्म नरक में उल्टे लटका में भूने जाओगे। वह स्त्री मेरे साथ चल पड़ी। रास्ते में भी आते आते लोगों से अपनी भाषा में ये कहती हुई आई कि मैं उसकी गाय को भूखा मार रहा हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ कि वह स्त्री कैसे एक ही बात को घंटों तक दोहराई जा रही है। हम घर पहुंचे, गाय ने उसे देखकर उछल कूद करना शुरू कर दिया, जोर से रंभाई, पूंछ उठाकर मूत्र त्यागा, ऐसे सांस लिया मानो पूरे विश्व को हिला देगी। वह मारवाड़ी स्त्री सुंदर कहकर पुकारती हुई उससे लिपट गई। अपने मुंह पर लगे श्वेत आवरण को हटाकर उसने गाय को चूमा, गाय के कान के पास पिस्कू पकड़कर जमीन पर फेंक उसे पैर से कुचल डाला। सुंदर, मेरे सुंदर, कह कहकर देर तक गाय को दुलारती पुचकारती रही। इस दृश्य को देखकर मैं रुआंसा हो उठा। मेरे भाई बहन तो रो ही पड़े, केवल मेरी माँ अविचलित थी। एकाएक अनपेक्षित रूप से वह चिल्लाने लगी, क्या सोचकर तुमने ऐसी गाय हमारे मत्थे मर दी? पैसे गिनकर रखो और ले जाओ अपनी गाय।
गाय को अगर चारा नहीं दोगे तो वह दूध कैसे देगी? गाय को भूखा मारोगे तो कोटि जन्म में उल्टे भुने जाओगे। बदले में वह भी चिल्लाई, हमारी माँ में भी इतना सामर्थ्य है यह हम में से कोई नहीं जानता था। सवा घंटा बरसने के बाद वह मारवाड़ी स्त्री भी शांत हो गई। एक बर्तन दो, उसने सहज भाव से कहा। उसने गाय की पिछली टांगों को बांधे बिना बछड़े को एक बूंद पिलाया और गाय को दुहा। एक बड़ा लोटा भर दुहने के बाद उसने दूसरा बर्तन लिया और उसमें भी दूध दुहा। अब हमारी माँ नहीं चिल्लाई। उस रात सोने से पहले हम सभी ने दूध पिया। रात के वक्त हमारे घर के पिछवाड़े कोई बिना बत्ती के नहीं जा सकता। कारण यह था कि रसोई से बाहर आने पर 8-10 सीढ़ियाँ थीं जिन्हें उतरने के बाद ही समतल भूमि पर आया जा सकता था, मगर आंगन में केवल 2 ही सीढ़ियाँ थीं। घर बनाते समय जमीन में से जो भी ऊंच नीच थी उसे बिना समतल किए बनाई गई थी। पिछवाड़े में गौशाला के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। रात के वक्त सोने से पहले हम में से कोई एक इस पिछवाड़े के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगाकर आ जाता था। उस रात को मैं ही लालटेन लेकर उस दरवाजे को ताला लगाकर आया। गाय हमारे घर में पहली बार बैठी हुई थी। यही नहीं, वह जुगाली भी कर रही थी। मुझे लगा कि आखिरकार वह हमारी पारिवारिक व्यवस्था के साथ घुल मिल गई है। उसे मैंने सुंदर कहकर पुकारा और उसके माथे को सहलाया। सुबह माँ की चीख पुकार सुन सभी उठ बैठे। सुंदर ने रात ही में रस्सी तोड़ ली होगी। जैसे ही माँ ने रसोई के पिछवाड़े वाला दरवाजा खोला, एक ही छलांग में सुंदर 8-10 सीढ़ियाँ लांघकर रसोई में घुस गई। माँ डर गई थी और चीखने पुकारने लगी थी। पिताजी ने आंगन के बाहर वाला दरवाज़ा खोला यह सोचकर कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो गाय को संभाल सके। जो ही बाहर का दरवाज़ा खोला, सुंदर बाहर की ओर लपकी। जब तक हम यह सोच ही रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तब तक सुंदर बाजार की ओर दौड़ती हुई हमारी आंखों से ओझल हो चुकी थी। माँ ने उस मारवाड़ी स्त्री को कोसा, गाय को कोसा, सब्जी वाले को कोसा। चूँकि मैंने दौड़ती हुई गाय को लाठी मारकर घर की ओर नहीं भगाया, इसलिए मुझे भी कोसा। आधे घंटे बाद मैं बर्तन समेत बछड़े को लेकर मारवाड़ी स्त्री के घर की ओर निकल पड़ा। उस स्त्री ने मुझे देखते ही जोर जोर से भला बुरा कहना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे अपराध बोध होने लगा। वैसे जांच पड़ताल कर देखा जाए तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। वो अपनी गाय को बेचना चाहती थी, तभी तो हमने गाय खरीदी थी। उसके मुंह मांगे दाम को हमने चुकाया था। वह मुझे और मेरे घर वालों को बुरा भला कहे, क्या यह उचित था? उस वक्त मुझे यह सब सूझा ही नहीं। संकोच का अनुभव करते हुए मैंने कहा, गाय को दूह लेता हूँ। उस स्त्री ने बड़े दानवीर की भांति स्वीकृति दी। सुंदर को दूहने के लिए मुझे आया देख 7-8 बच्चों और बुजुर्गों ने मुझे घेर लिया। सुंदर ने लात नहीं मारी, यह आश्चर्य की बात थी। जब मैं घर लौटा तो माँ ने पूछा, गाय कहाँ है? मैंने माँ की ओर दूध का बर्तन बढ़ाया। उसे पकड़ते हुए माँ ने दोबारा प्रश्न किया, गाय कहाँ है? मैं अभी उसे साथ नहीं ला सका, शाम को ले आऊँगा। माँ ने मेरी ओर अविश्वास से भरी नज़रों से देखा। उस पिशाचनी से गाय के पैसे वापस ले आए? माँ ने पिताजी से कहा, लेकिन पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब मैं दूध दुहने गया तो गाय ने बहुत ही कम दूध दिया। ऊपर से दूध में से एक तरह की बदबू भी आ रही थी। पहले मैं इसका कारण ना जान सका, मगर बाद में मुझे पता चल गया। दिन में मंडी का चक्कर लगाते हुए सुंदर कचरे दानों को भी नहीं छोड़ती थी। मारवाड़ी स्त्री गाय के लिए चारा नहीं डालती थी। वह जिम्मेदारी तो हमारे इलाके के लगभग 300 सब्जी वालों, बाजार और उसके आसपास के कचरा दानों पर थी। इस बार माँ को मुझे डांटने फटकारने के लिए कई कारणों के होते हुए भी मैं बहादुरी से बोला, गाय को वहीं रहने दो माँ, वह वहीं खुश है। पैसे देकर खरीदी हुई गाय किसी और के घर बांधी जाएगी? उस धोखेबाज औरत ने हमसे पैसे क्यों लिए? हर बार वहाँ जाकर दूध दोहने से बेहतर होगा कि सीधी तरह दूध कहीं से खरीद लें। गाय वहाँ रहेगी, वह तो आधा दूध स्वयं ही दूह लेगी। मगर जब मैं यह कहती हूँ कि पैसे लौटा दो और अपनी गाय ले जाओ, तो वह बिना मुंह खोले भाग खड़ी होती है।
पिताजी ने इस गाय के विषय में दखल नहीं दिया। यह निश्चय किया गया कि अगले दिन मैं स्कूल से छुट्टी लेकर माँ के साथ जाकर सुंदर को घसीट लाऊं। सवेरे सवेरे मैं जाकर गाय को दूध लाया। अब भी बहुत ही कम दूध दिया। उस स्त्री ने कहा कि बछड़े ने दूध पी लिया। दूध की बदबू असहनीय थी। दोपहर का खाना समाप्त होते ही माँ ने मुझसे कहा, चल रे। दो व्यक्तियों द्वारा संचालित घोर विस्फोट को संभालने का अशोभनीय कार्य मुझ पर थोपा गया, जिससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अतः मैं अर्धचेतनावस्था में माँ के साथ दोपहर की कड़कती धूप में 1.5 मील की दूरी पर स्थित बाजार की ओर चल पड़ा। क्रोध का ऐसा विस्फोट हुआ, सारा बाजार उस मारवाड़ी स्त्री के यहाँ जमा हो गया। यही कहा जा सकता है कि दो भाषाएं स्त्रियों की विशेष प्रयुक्तियों से समृद्ध हो तीव्र गति से विकासोन्मुख हो गई। मुझे ऐसा लगा मेरी माँ का पलड़ा ऊंचा था। वह मारवाड़ी स्त्री तब तब लाचार दिखाई देती जब जब माँ उससे यह कहती, पैसे वापस दे और ले गाय रख अपने पास। 50 लोग बीज बचाव के लिए आ गए। अब हम अपनी गाय को ले जा सकते थे, मगर वह आए तब ना। जितनी बार मैंने सुंदर की रस्सी खूंटी से खोलने की कोशिश की, उतनी ही बार वह मारवाड़ी स्त्री दौड़ती हुई आती और गाय से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती। माँ जैसे ही पैसों की मांग करती वह चुप हो जाती। सुंदर ने उछल कर मुझे पास आने से रोक दिया। माँ को तभी यह युक्ति सूझी होगी। एक बैलगाड़ी लवा लाओ, उन्होंने मुझसे कहा। सुंदर को बैलगाड़ी में कैसे चढ़ाएंगे, मैंने पूछा। मैंने तुमसे कहा है कि बैलगाड़ी ला, और तू मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। माँ गरजी और मैं बैलगाड़ी लेने चल पड़ा। बैलगाड़ी आने पर माँ उस बछड़े को लेकर बैठ गई। मुझे भी गाड़ी में बैठने को कहा। वहां के एक आदमी ने सुंदर की रस्सी खूंटी से खोलकर हाथ में पकड़ाने को कहा। माँ ने उस रस्सी को गाड़ी के पीछे बांध दिया। मैं उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब सुंदर रस्सी तोड़कर भाग जाएगी, मगर सुंदर बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलते हुए शांतिपूर्वक आ गई। इसके बाद 2 हफ्ते के अंदर सुंदर 5-6 बार रस्सी तोड़कर मारवाड़ी के घर भाग गई। हर बार मुझे बैलगाड़ी ले जाकर उसे वापस लाना पड़ा। मैं समझ पा रहा था कि स्वतंत्र रूप से सब्जी मंडी में विचरण करते हुए कचरा दानों में मुंह मारना, 200 वर्गफुट के दायरे में घूमना, मनचाहा व्यवहार करने की तुलना में एकांत विशाल गौशाला में उसे खूंटी से बंधे रहना, खली आदि खाना क्यों नहीं भाया। बाजार का शोरगुल उसके लिए इतना आवश्यक था कि वह अपने 1 माह के बछड़े को छोड़कर भागने में तत्पर थी। कई अच्छे कारणों के लिए मनुष्य अपना स्वभाव परिवर्तित करने में असमर्थ है, तो केवल मालिक के बदल जाने के कारण एक गाय से उसके स्वभाव के बदल जाने की अपेक्षा करना कितना अन्याय है। कुछ ही दिनों में हम गाय से बिल्कुल तंग आ चुके थे। मारवाड़ी औरत पैसे वापस करने वाली नहीं थी। मौका पाते ही गाय अपनी पुरानी मालकिन के पास दौड़ जाती। दूध तो बिल्कुल कम देती थी। गाय भी श्यामथन थी। इतने दिन उसके दूध को पीकर न जाने कितने पाप लग गए होंगे। उसे बेच देना ही अच्छा था। सुंदर को खरीदने के लिए एक आदमी मिल ही गया। बहुत शांत स्वभाव का था। हमने उससे कहा कि हमने गाय 350 रुपये में खरीदी थी और 300 रुपये में देने के लिए तैयार हो। वह तुरंत मान गया। एक दिन शाम को वह अपने साथ 2 आदमियों को लाया और गाय तथा बछड़े को ले गया। उस रात मैंने पिताजी से पूछा, क्या आपने उन्हें बताया कि सुंदर अक्सर रस्सी तोड़कर मारवाड़ी के घर भाग जाती है? पिताजी का ध्यान कहीं और था। उन्होंने जवाब नहीं दिया। आमतौर पर वे ऐसा बर्ताव नहीं करते। मैंने माँ से पूछा। माँ ने मुझे डपट दिया, सुंदर क्या सुंदर सुंदर लगा रखा है, घर की बला टली। वह तो ठीक है, मगर क्या नए खरीदार को यह बताया गया कि गाय के गुम हो जाने पर उसे बाजार में जाकर ढूंढना होगा? माँ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे मुझे डांटने लगी। सुंदर नहीं बंदर कहो उसे। मैंने सोचा, कम से कम उस मारवाड़ी के घर में तो माँ ने ऐसा नहीं कहा था। यही शुक्र है, अगर कह देती तो वह मारवाड़ी स्त्री चिल्लाई होती कि इसने मेरे बच्चे को बंदर कहा। रात को मैं पिछवाड़े का दरवाजा बंद कर आया।
इतने बड़े तमाशे के बीच सुंदर मेरी ओर से लापरवाही रही। ऐसा होते हुए भी मैं ही उसका नाम लेकर उसे याद करता था। उसके किसी गुण ने मुझे आकृष्ट कर लिया था। मुझे उसके नए मालिक पर दया आई। बिना किसी सवाल के पूरा पैसा देकर ले गया था। पता नहीं वह उसकी गौशाला में है या बाजार की तरफ भाग गई। मुझे उस रात नींद ही नहीं आई। मुझे बार बार बस यही ख्याल आता कि जरूर सुंदर मारवाड़ी के घर भाग गई होगी। जैसे भी हो, गाय को ढूंढते हुए वह सुबह यहाँ जरूर आएगा। यहीं से एक बैलगाड़ी लेकर जाना होगा। वह इस वक्त शायद आ ही रहा हो। सुबह दरवाज़ा खोलने पर वह दिखाई नहीं दिया। रस्सी तोड़कर आई हुई सुंदर खड़ी थी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।